असलकिब जी, आज मैं शहजाद के साथ आया हूँ और शहजाद जो है यहाँ पे कराची के अंदर आंटी पार्क के पास ओशन मॉल के सामने क्या बना रहे हैं? अर्बन फॉरेस्ट पार्क। अर्बन फॉरेस्ट ये क्या चीज़ होती है? एक टूरिस्ट सेंस में एक जंगल है, बेसिकली अर्बन सिटी से उसके लैंडस्केप के अंदर है, इसलिए अर्बन फॉरेस्ट कहते हैं। बट अब फॉरेस्ट ही है ये जो बन जाएगा जब इवेंचुअली जब मैच्योर हो जाएगा। सो दिस विल बी अ मैच्योर बॉडी ऑफ ट्रीज नेटिव स्पीशीज के साथ एंड दिस विल बी अ अर्बन फॉरेस्ट। और उसके अंदर जो स्पेस है कितनी है हमारे पास? 8 एकड़। सो ये पार्क जो है यहाँ हमने अपना पायलट शुरू किया था और वो पायलट जो है अब 2 साल का हो गया है। मैं अभी आपको पीछे ले आके उसको दिखाता हूँ। छोटी सी जगह में पायलट किया था, वो बहुत अच्छा चल रहा है। दरख्त मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं 2 साल में, और अब हम इस पूरे पार्क को अडॉप्ट करके इस पूरे पार्क को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटू ए फॉरेस्ट पार्क। होपफुली विद इन कपल ऑफ ईयर्स दिस वुड लुक लाइक अ फॉरेस्टेड पीस ऑफ लैंड। और यहाँ पे 50,000 दरख्त हम तकरीबन लगाएंगे। और इंशाल्लाह सुन रही हैं? सुन रही हैं? अच्छा, एंड ये जगह कितनी है? ये एक तकरीबन 3 एकड़ का पार्क है, 12,000 स्क्वायर मीटर स्पेस। क्यों कर रहे हैं? कोई तो करेगा, कौन है जो करेगा? सो हम देख रहे हैं कि कोई करने को कुछ तैयार नहीं है। तो एक चांस हमें मिला, हमने बुलाया। दिस ऑब्वियसली इस शहर में रहते हैं और इस शहर के साथ जो हो रहा है वो बर्दाश्त सिर्फ कर रहे हैं उसको, पिछले जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो। लेकिन कब तक? तो एक स्टेप लिया है, लेट्स सी हम आगे बढ़ेंगे साथ साथ और बहुत लोगों में जो शामिल हो जाएंगे। ये क्लिफ्टन में आता है डिफेंस में? जी क्लिफ्टन। तो विच मीन्स के डिप्टी सी होगा इसका? इस ये KDA के अंडर में, और KMC का जो पार्क्स डिपार्टमेंट है वो इसको लुक आफ्टर करता है। और वो हेल्पफुल है रहे आपके साथ? इतना हेल्पफुल रहे कि उन्होंने कम से कम इजाज़त दे दी कि हम लगा लें। दैट्स व्हाट बेसिकली नॉर्मल पीपल नीड। अदरवाइज 25 साल से इस पार्क की शक्ल जो है, क्योंकि मैं इसके बिल्कुल करीब रहता हूँ, तो बिल्कुल ही इसी शक्ल में, इतनी ही बर्बाद शक्ल में पिछले 25 साल से रहा है। एक दफ़ा पैसे खर्च करके इन लोगों ने दीवार बनाई थी और बीच में 2-4 पेवर्स डाल दिए थे, सब कर दिया था, बट पार्क नाम की कोई चीज़ यहाँ कभी बनी नहीं है, चली नहीं। तो पूछने का मकसद ये था कि कैन वी स्टार्ट अ मूवमेंट ऑफ कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग अदर पार्क्स इनटू समथिंग डिफरेंट? एब्सोल्युटली। एंड डू इट एज एन एंटरप्रेन्योर रादर देन जस्ट कि जी आप अपना टाइम भी लगा रहे हो। ठीक है, यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ फ्रॉम दिस, बट अब उस लर्निंग को हम जो बाकी बच्चे यहाँ रैपिड से पढ़ के निकल रहे हैं और यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे हैं, दे शुड डू इट एज अ बिजनेस, बिकॉज इस शहर को नहीं तो मर जाएंगे लोग यहाँ के, मतलब मर रहे हैं एक्चुअली। बिजनेस आदमी हर तरह की करता है ना, हर वो बिजनेस करने को लोग तैयार हैं जिसमें दूसरे को नुकसान पहुंचता है। सो जब आप वो करने को तैयार हैं तो फिर भाई इस कारोबार में क्यों नहीं आप आ सकते जिससे लोगों को फायदा पहुंचे, पैसे भी बनाए और फायदा भी उठाए। सही। तो एंड यू कैन गाइड देम, मेंटर देम कि जी, और अगर कोई भी देख रहा हो और उसको ये पता हो कि भाई यहाँ पर आपके इलाके में कोई ऐसा पार्क है जिसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनने वाली है, तो फौरन क्या करें? जहरी के पास जाएं? देखिए पार्क्स, ये बात तो लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि पार्क या कोई भी और एमिनिटी स्पेस जो है ना, वो बाय लॉ, बाय ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर लॉज, वो उनका इस्तेमाल चेंज नहीं हो सकता। तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनकी कटिंग नहीं हो सकती, उनके ऊपर घर नहीं बन सकते, वो इलीगल है फ्रॉम द गेट गो। लेकिन और पहला इसका जो ज़ाहिर इफेक्ट होना चाहिए वो ये कि फौरी तौर पर आप इसमें कोर्ट में चले जाएं और उसको चैलेंज करें कि जी यहाँ आम आदमी तो कुछ करना नहीं चाहता ना, वो तो गटर कचरा नहीं उठा रहा साहब घर के सामने। लेकिन जो पार्क्स आपके ख्याल में सही, जो पार्क्स के तौर पे हैं और जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, जहाँ ना घास उगती है ना कुछ और उगता है, पहली बात तो घास नहीं उगने दें, घास से भागें। घास इज़ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स कम्प्लीटली। पानी पर पानी दिए जाओ, एक नन्ही सी पत्ती उगती है उसके अंदर और क्या, खाली आँखों को खूबसूरत लगता है कि जी वहाँ पर ग्रीन तख्ती। तो भाई उसके लिए आप एस्ट्रोटर्फ डाल लें घर के सामने, उसको रोज़ाना देख लिया करें, वो खुश रहें। लेकिन उसके अलावा दरख्त उगाएं, बिकॉज उस जगह पे दरख्त जो है ना वो उस बेशुमार फ़ायदे आपको देता है। सो हम घास लगाने वाली जगह नहीं है ये, वो इको क्लाइमेट नहीं है हमारा जहाँ पे हम घासें उगाएं। और फिर उस घास को पालने के लिए ज़ाहिर मेहनत करनी पड़ती है, फिर बेशुमार पानी देना पड़ता है, काटेंगे उसे, वो डालेंगे दवाइयाँ डालेंगे, खादें डालेंगे, तो सो यू हैव टू रन अवे फ्रॉम इट। सो अपने आसपास के इलाकों में वो जगह जो डेडिकेटेड इसी काम के लिए है, जहाँ पे ग्रीनरी होनी चाहिए और उस ग्रीनरी से एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, दैट्स व्हाट पार्क इज़ राइट, यू गो एंड एक्चुअली गेट एंटरटेन्ड और रिक्रिएशनल स्पेस। तो उसको रिक्रिएट करने के लिए तरीका यही है कि जी दरख्त लगा दें वहाँ पे, ढेर सारे लगा दें, इतने लगा दें कि वो जंगल बन जाए। क्योंकि 3 साल के बाद ना आपने उसे पानी देना है, ना आपने उसकी मेंटेनेंस करनी है, और सिवाय फ़ायदे के उससे और कुछ नहीं है।
साया अलग रहेगा, ठंड रहेगी, अच्छी चीज़ें पैदा होंगी उसके ऊपर, चिड़िया आगे बैठेगी, बटरफ्लाई आगे बैठेगी, यू नो दिस जस्ट द बेनिफिट्स आर। बहुत लगाए जी जी जी, बहुत लगाए लगाए। चलिए छोटा वाला देखते ना, चल के देखते कर क्या रहे हैं। तो शहजाद सर कराएं आ जाए। तो इस पार्क को हमने अभी कर दिया है खैर पूरा रीडिज़ाइन। अच्छा, पहला एलिमेंट जो इसका सस्टेनेबिलिटी का है वो ये है कि हम ने नाले का पानी उठाएंगे यहाँ से। अच्छा हाँ, हमने एक वहाँ एक चैनल बना दिया है, उसी नाले से भी शायद नाले से आ रहा है, वहाँ से भी है वरना यहाँ से भी जा रहा है, घरों का एक नाला, घरों का नाला उसी से गटर का पानी, गटर का पानी, गटर का पानी उठा के। यही तो बड़ी अच्छी बात है, गटर के पानी से हम क्यों नहीं कुछ उगाते। गटर का पानी बहुत अच्छा काम करता है, प्रोवाइडेड आप उसकी थोड़ी सी फिल्टरिंग कर लें, जो कि हम मैं भी आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, शहीद की जो दोनों तरफ नर्सरी है जी, वो इसी सारी नर्सरी है के वहाँ पे वो बकरे में देखा है जमा किया हुआ होता है वो, और वो वही पानी दे रहे होते हैं। ये जितनी नर्सरियाँ चल रही हैं अभी आपको यहाँ इस नाले के साथ की जो नज़र आएंगी, जो पहले चलती रही हैं, सब गटर का पानी यूज़ करते हैं, एंड इट्स रिलेटिवली हार्मलेस अगर उसको डायरेक्ट इन टच आप उससे नहीं हो रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आ रहे वहाँ आती है जहाँ पानी आपको छूना शुरू करता है या आप उसके साथ इंटरेक्शन शुरू कर दें, बट इट्स रिलेटिवली सेफ। हमने उसकी भी फिल्टरिंग का एक बायो फिल्टरिंग का एक चैनल बनाया है, हमने एक वेटलैंड ट्रीटमेंट चैनल बनाया जिसके अंदर पौधे ही उसको फिल्टर करेंगे उस पानी को, और उसके बाद एक पीछे रिजर्वॉयर स्लैश लेक बना दी हमने। सो पहला एलिमेंट जो हमने बनाया इस पार्क के लिए वो ये किया कि जी हम पानी नाले का लेके फिल्टर करके सेव करेंगे और उसी पानी से फिर हम पूरे पार्क को चलाएंगे और बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी बातें सुन के आप ये यकीन कर लें कि ये पिछले 3 साल से और कुछ नहीं कर रहे, इन्होंने PhD कर लिया इस काम में, 5,000 घंटे लगा दिए हैं, अब आप इनसे फ़ायदा उठा लें, बस मुझे ये लालच हो रहा है। तो दैट स्टेप वन, मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ, आइए किस तरह हमने वो बनाने की कोशिश। ये क्या है, आपका फिल्टर है, ऑटोमेटिक फिल्टर, दिस इज ए वेटलैंड ट्रीटमेंट चैनल समझिए आप। वेटलैंड जिनको नहीं पता, तो जो कराची के लोग हैं, एक नेचुरल वेटलैंड है कराची में, वो उसी तरह की कुछ चीज़ है या कुछ और होता है? जी जी, वेटलैंड चैनल मैंग्रोव लग गए हैं। जहाँ जहाँ सो वो नेचर का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, कि जहाँ जहाँ से पानी मुख्तलिफ जगहों से बहता हुआ आता है, नालों से आता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसे श्रब्स और ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं, ऐसे प्लांट्स पैदा हो जाते हैं जिनका काम ही ये है कि वो फिल्टर करें उन पौधों को और उस पानी को। सो थोड़ा सा बच के अगर आप आना चाहें, हल्की सी आपको इसमें नाले की वो ऑलरेडी आएगी, ये पानी डायरेक्ट नाले से फीड हो रहा है, ये नाले का पानी, ये गटर का पानी है, गटर का पानी। वाओ, सो इसमें सेडिमेंटेशन हो रही है पहले, ये टैंक से ये सीधा गटर से पानी आ रहा है, डायरेक्ट नाले से आ रहा है। वाओ, अभी बदबू तो नहीं है? तो खास नहीं, इनफैक्ट वो दूसरे एंड तक पहुँचते तो दिस बिकम्स, तो इसमें जो सस्पेंडेड सारे पार्टिकल्स हैं वो बैठ जाते हैं और पानी का एक एक लेयर ऑफ समझे इसमें जो है ना वो फिल्टरिंग हो गई। उसके बाद दिस एंटर दिस चैनल हियर। ये कौन से पौधे हैं जो घरों में लगे होते हैं, वही वाले? ये तकरीबन 3 फुट गहरा एक खड्डा है जिसके अंदर हमने पेबल्स से इसको भर दिया। सो द रॉक्स फिल्टर दिस ऑटोमेटिकली, देन दीज आर नाले के अंदर मुख्तलिफ रीड्स हैं, ये दीज आर रीड्स ऑफ डिफरेंट काइंड, इनकी जो जड़ें फैल जाएंगी, रीड वीड की बहन है कोई कह सकते हैं उसको, कि कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वीड्स, बट इनकी जो जड़ें हैं वो ऑटोमेटिकली फैल के उसके बाद पानी इनके थ्रू ट्रैवल करेगा और इसके गंद को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, पानी यहाँ चला उसी पे ये ग्रो करते हैं। सो दिस वन इज़ कॉल्ड केना, दिस पर्टिकुलर प्लांट, और बड़ा फ्लावरिंग प्लांट है, और ये जब बन जाता है तो एक्चुअली यू विल बी सरप्राइज कि इससे इतना ब्लूम करेगा कि यू विल बी, दिस विल बी ब्यूटीफुल। ये जो घरों में गमलों में लगे होते हैं, गमलों में भी लगे हुए हैं, वही है ना ये? जी हाँ। इसका क्या नाम है? केना। केना, तो ये ट्रैवल करेगा इसके थ्रू। Gorgeous. ये कब तक पूरा होगा शहजाद प्रोजेक्ट? इससे मुराद है खाली टोटल, इट्स सब्जेक्ट टू द मनी दैट वी विल रिसीव। तो आपका टारगेट $500,000 यानी 5 करोड़ रुपए था, कितने हो गए? That is requirement for the whole 3-year stretch. लेकिन जो पहली इंफ्रास्ट्रक्चर की डिवेलप, फॉर एग्जाम्पल अब ये चैनल पूरा बनाना, इसके अंदर ये पत्थर डालने, हमने उन सारों को उस कॉस्ट में शामिल कर दिया था कि हम एक दरख्त की टोटल कॉस्ट जो हम यहाँ लगाने जा रहे हैं वो 950 रुपये
پر درخت مانگے ہم نے, جس میں ہم 3 سال تک اس کو پال کے پوس کے بڑا کر کے چھوڑیں گے. اس میں یہ بھی ڈال دیا ہے, اس میں 1000 درخت میرے ہیں, وہ آپ کو میں نے پیسے بھیجنے ہیں. اچھا یہ تو آن ریکارڈ آ گیا. آن ریکارڈ ہے, مطلب بول دیا تو آن ریکارڈ. اللہ میں کہ پاؤ گے یہ کہ اس کی کیا ویلیو یار. جسٹ کیڈنگ. 1000 trees آر مائن. جو جو لوگ سن رہے ہیں, اللہ کے واسطے 10-20 درخت لگوا لو, مر جاؤ گے تو کچھ کام آ جائیں گے یار. اور ستائی جا رہی ہے, مطلب کیسے, میں تو ہر طرح سے لوگوں ٹکے کھانے کے لیے خرچ کر لے دو یار. یہ پانی جو ہے فلٹر ہو کے اس کے بعد سامنے ہم نے ایک لیک بنا دی ہے, اس کے اندر جا کے وہ اس لیک میں گرے گا. بھائی یہ کتنا بڑا پارک ہے, اس میں لیک کیوں نہیں ہے؟ دنیا بھر میں واٹر باڈی گٹر کے پانی سے آپ نے لیک بنا, فلٹر صاف کر کے اسے ہم نے, اس میں کینو میں چلا سکتا ہوں. اس میں چھوٹی والی بتا دیں. Amazing. یہ کیا, یہ بھی لیک ہے؟ سو یہاں ہم ایک واٹر فال بنانے لگے ڈوئل پرپزز. سو آئیڈیا اس کے جی, وہ پانی جو ہم فلٹر کر رہے ہیں اس کو آکسیجنیٹ کرنا ہوتا ہے, تاکہ وہ اور اس کے اندر جو مائکرو آرگینزمز اچھے والے ہیں وہ اور پیدا ہو جائیں اس کے اندر. سو ہم اسی سے واٹر فال چلائیں گے, اس کو خوب پہاڑی بنا کریں گے, ایک پہاڑی بنے گی بڑی سی, اور اسی کا پانی جو ہے وہ لیک سے اٹھا کے ہم بار بار اس کو گھمائیں گے, آکسیجنیٹ کریں گے, واپس لیک میں ڈال دیں گے. اس کے لیے پمپس استعمال ہوں گے یا آل آٹومیٹک پمپس ہوں گے؟ کوشش کر رہے ہیں سولر پہ چلے جائیں, سولر کی کاسٹ بڑی ہے تو میں اس میں ہیلپ کروا دوں گا. ہاں, آپ کے ایکچولی کزن سے ملاقات ہو گئی تھی میرے, وہ آئے. کون سے والے کزن؟ دانش از ناٹ مائی کزن. سم دانش ہو سم ہاؤ از یور کزن. ہی از ناٹ مائی کزن. بی کیئرفل بیٹا, وی انکیوبیٹڈ ہم. اچھا. And he became a large giant in solar, and now he is partner with my brother. Achha, lovely. To wo usse aap baat kare, they're doing a lot. Aap ka writing dialogue chahiye, wo ho chuka hai to ho gaya to sahi, to wo dekh gaye waise, wo businessman ho gaya Danish, to wo business karega. But they're good people. So humne yahan pe ek choti si isse, you know, I'll show you that. پتہ نہیں ڈیزائن میرے دیکھے اس کے, ایک دفعہ دیکھے تھے شروع میں. سو یہاں چھوٹی سی اسٹریم ہے, جو یہی پانی جو ہے اس اسٹریم کے تھرو ہوتا ہے وہ واپس جائے گا. تو بیسک ایلیمنٹس آف اے پارک, اے واٹر باڈی, اے اسٹریم, فلوئنگ واٹر, فلوئنگ امیج ہے. موبائل میں تو ان کو دکھا دیں اگر ہے تو. اچھا یہ جو پانی ہے یہاں پہ ایک واٹر فال بنائیں گے, اس سے پانی, اس پانی, یہ گٹر کا پانی ہے وہ صاف ہو رہا ہے, ادھر آ رہا ہے, اس میں جمع ہو رہا ہے, پھر واٹر فال میں جائے گا, پھر اس میں آکسیجن آئے گی, ایڈ ہوگی کیونکہ ہوا گرے گا پانی, پھر آگے لیک میں جا رہا ہے, پھر ایک لیک بنا رہے اکٹھا کر کے, یہ گٹر کا پانی سے لیک بنا رہی. کمال ہوگا, ایسے ہی ہوتا ہے, ہمیں تو پتہ نہیں. یہ پارک کا ڈیزائن. تو یہ دائرہ ہم بنا چکے ہیں, ٹھیک ہے. یہ حصہ آپ دیکھ کے بھی آ رہے ہیں کہ جی ہم نے ویٹ لینڈ ٹریٹمنٹ چینل بنا لیا ہے. یہاں ایک واٹر فال کی ابھی پوزیشن ابھی آپ کو میں نے دکھائی, دس ول اینڈ اپ ان ٹو دس لیک. لیک میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس کی شیپ کیا آ رہی ہے. اینڈ دین دس آل آف دس ول بیکم ایون ڈینسر. واٹ یو سی ہیئر, بڑا ڈینس سب فارسٹ بن جائے گا سارا کا سارا. ہگنگ کے لیے جگہ چھوڑی ہے ہمارے, جیسے ٹری ہگرز کے لیے درخت ہیں. ہر جگہ ہے سر, مطلب کس درخت کو آپ ہگ کرنا چاہ رہے ہیں, آئیڈینٹیفائی وچ ایز یو وانٹ. دس ول بی اے بٹر فلائی گارڈن ایکچولی, ناٹ کلوزڈ. مطلب آئیں گی, دے ول بی اٹریکٹڈ ٹو دو اسپیشیز جو ہم لگائیں گے اس کے اندر, دے ول کم دیئر اینڈ ایکچولی ریزائڈ دیئر, اینڈ دے ول سی اے پلنٹی آف ڈفرنٹ کائنڈ آف, خود بخود آئیں گی, پھر وہ پالینیٹ کریں گی. ہم یہ کارنر بنا رہے ہیں پورا فروٹ فارسٹ میں, سو میجرلی یہاں پہ فروٹ کے درخت ہوں گے اس کارنر میں, اینڈ وی ول ہیو ٹنز اینڈ ٹنز آف فروٹ کمنگ آؤٹ آف دس. اور ان کا آپس میں ریلیشن, سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے آبویسلی, دا بٹر فلائیز اینڈ دا بیز اینڈ دین آبویسلی دے آر پالینیٹرز. اس کے علاوہ پھر یہاں ہم شروع میں بالکل ایک ویجیٹیبل پیچ بنا رہے ہیں, تاکہ آس پاس محلے والوں کو فائدہ بھی ہونا چاہیے. اتنے بڑا پارک ہے, وہ خود لگائیں گے آ کے لوگ, یا مینج کریں گے ہم اسے, کیونکہ جیسے امریکہ میں تو نیبرہڈ کے ہوتے ہیں, ہم انہیں سکھائیں گے, ہم انہیں کلاسز دیں گے کہ جی آئیں, دس از ٹو گرو, ہاؤ ٹو گرو ویجیٹیبلز, اپنے گھروں میں لگائیں, ادھر لگائیں, ادھر لگائیں. سو وہ بھی ایک ان شاء اللہ بنانے کے لیے. پھر لاسٹ ایونچولی پھر یہاں بچوں کا ایک چھوٹا سا بڑا آرگینک سا پلے گراؤنڈ بنائیں گے, جس کے اندر پھر وہ
continue to have activities. जो पुराना जंगल था वो है. वाटरफॉल अभी इसमें नजर नहीं आ रही बेटा. इसमें तो नजर आ रही है, वो छोटी है. Well, that tractor is around 1,000 rupees an hour. This guy is around. Then I think it's 15,000. Okay, 8 hours. 2,000 an hour. और कितने देर में खड्डा खोदेगा ये? लेक बना देगा? ये एक तो हमने उससे बनवाया था, उसके बेटे से. ये नहीं. इसका काम सिर्फ ये है कि अभी लेवल कर रहा है मछलियों को. अच्छा. एक्चुअली हुआ ये था कि अभी 3 दिन पहले तक ये जगह कचरे से भरी हुई थी. डंप बाय डियर KMC एंड DMC. सो बहुत उनके साथ रिक्वेस्ट कर करके उनसे मैंने कहा भाई ये उठवा दें, मतलब हम कब काम शुरू करेंगे और कब ये होगा. तो इवेंचुअली उन्होंने थोड़ा सा उठवा दिया, पहले जला दिया पूरा, उसके बाद उठवा दिया. चलो भाई कुत्ते तो मिल गए आज तुम्हारे, एक ले चलो उसमें. सो दिस बॉडी ऑफ ट्रीज, द प्लांट्स वर ओनली दिस हाई 2 years अगो, दिसंबर 2015. सो वी प्लांटेड देम एंड देन एवर सिंस दे बीन ग्रोइंग. कुछ प्लांट्स किसी और वक्त बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, किसी वक्त कोई और प्लांट स्पीशीज. तो दे फाइट फॉर नेचुरल सिलेक्शन, दे वॉन्ट टू ग्रो एंड गो टू द टॉप एज फास्ट एज पॉसिबल. सो इन दी एंड होता ही है कि कुछ जो है वो अंडर स्टोरी के तौर पर रह जाते हैं, कुछ लोअर स्टोरी के तौर पर रहते हैं, कुछ जो है वो कैनोपी बन जाते हैं. एंड दैट्स हाउ दे कंटिन्यू टू थ्राइव. इट्स ऑल लाइक खुद ही होता है, खुद हो रहा है. हम अब हमारा काम सिर्फ ये था कि हमने इनको लगा दिया है, हम इन्हें पानी दे रहे हैं फॉर अबाउट 2 years. और यहाँ मैं खड़ा हूँ तो ऑल ऑफ अ सडन खुद ही महसूस हो रहा है कि कुछ आपकी एनर्जी फ़र्क है. दिस इज, आप अंदर जाओगे ना, यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट. पैथ का है इसका, मैं अभी आपको दिखाता हूँ. ऑल नेटिव स्पीशीज. ये तो छोटा सा प्लॉट है. दिस इज 400 square meters. 400 गज. तो किसी का 1,000 गज का प्लॉट है और वो फारिग पड़ा हुआ है, जैसे हमारे घर में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ लगा सकते हैं. बहुत ज़ोरदार लगा सकते हैं. एंड टिपिकल कॉस्ट क्या आएगी लगाने की? अबाउट 4,000 to 4,500 पर स्क्वायर मीटर, ऑल थिंग्स डिलीवर्ड. तो 4 लाख के ऊपर पर 100 square meter. 4 लाख रुपये पर 100 square meter. तो 400 पे 16 लाख के करीब पड़ जाता है. बट 16 लाख में आपको फ़ायदा ये है कि एयर कंडीशनर की अब ज़रूरत नहीं है. दिस बिकम्स ब्यूटिफुल प्लेस टू सेट एंड बी अराउंड एंड हेल्थ बेनिफिट्स एंड trees emit particular kind of aerosols for you which makes your immune system better. बहुत सारे इसके फायदे. ये हमने बेंच मार्किंग के लिए साथ साथ लगाए थे पौधे जिस दिसंबर में, देखने के लिए कि फ़र्क क्या पड़ता है. तो दिस इज़ अ बेंच मार्किंग के पौधे, दिस इज़ अ फॉरेस्टेड. यानी खुद ही वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़े. दे ग्रो 10 times the speed. इंटरेस्टिंग. दे ग्रो 10 times. समझ आई? इन्होंने ये भी पौधे लगाए आइसोलेशन में और ये मिक्स करके लगाए, तो ये 10 गुना तेज़ी से बढ़ गए और ये आराम आराम से बढ़े हुए. ये आंटी, ये जो ये पौधे जो लगे ना, ये इनको भी 2 साल हो गए और इन सारों को भी 2 साल हो गए. ये जो टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं जापानी, उसके हिसाब से जब आप बहुत सारी स्पीशीज़ को एक साथ मिला के लगाते हैं तो वो एज अ फॉरेस्ट बढ़ते हैं और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं. सो ये कॉन्सेप्ट के यार आप जो एक साथ मिला के लगा देते हो, करीब करीब लगा देते हो, तो दरख्त एक दूसरे को मार देंगे और नहीं बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा, ये ना उसकी जगह 10 गुना स्पीड से वो बढ़ रहा है, ये छोटा रह गया. जी 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 जी. और अगर अकेला एक बेचारा पौधा पड़ा है तो उसको लाख कोशिश करो, नहीं होता, वो कभी नहीं खुश होगा, नहीं होता. तो इसी तरह इनका भी होगा. बिल्कुल है, इस पर रिसर्च अब शुरू हो चुकी है. इसको कहते क्या है, मतलब क्या उसका कोई टर्मिनोलॉजी है कि भाई कोई हम यूट्यूब गूगल करें तो उसको क्या ढूंढें? हमने जो मेथडोलॉजी यूज की उसका नाम है मियावाकी मेथड. ठीक है, इट्स अ जापानी साइंटिस्ट हु हैज प्लांटेड 41 million trees अराउंड द वर्ल्ड
रीजनरेटेड नेटिव फॉरेस्ट सारी दुनिया में उसने हर कोने में कर लिया हुआ, उसी की ये सारी स्टडीज़ का निचोड़ है जो जिसको हम फॉलो करते हैं। और मतलब लाइक मैजिक दुनिया के सारे हिस्सों में जंगलात हर तरह की लैंड स्पीशीज़ में, यूएस में भी लगा दिया, नैदरलैंड्स में लगा दिया है, कोरिया, सिंगापुर, इंडिया ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा, पाकिस्तान में 4, निकारागुआ में भी हमने एक लगाया। आप भी शामिल हो उसमें? हाँ हाँ, मैं सारी went with them. Well, you went with him? हाँ हाँ, with me and Shubhendu went together actually. You and? Shubhendu. Shubhendu Sharma is the TED speaker who I invited to do this and who is our partner in this crime basically. चलें हम इनसे थोड़ा दूर चलते हैं क्योंकि इनका शोर जो है वीडियो में जाएगा नहीं। आपने ये कुछ बोगन लिए रखा है क्या, उनको खेल के लिए रखा हुआ है? मुझे कहाँ है? नहीं, मेरे पौधे नहीं है ये, एक्चुअली मुझे अगर मेरे मेरे बंदे ने अगर लगाए हैं तो ये तुम इसके लिए नहीं है, ये खाली हम ऑर्नामेंटल अपने घर घर में लेंगे। बट जैसे वो पीपल के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं वो हमें हमारे इस्तेमाल के हैं, ये कांसिया लगाया है इन्होंने, चीना है छोड़ दीजिए, ये ऑर्नामेंटल के कुछ इन्होंने पता नहीं क्यों लगा दिए, नीम ऑब्वियसली ये हमें लगानी है, ये पारस पीपल है बड़े पत्तों वाला ये लगेगा हमारे उसमें, फिर आगे बादाम की एक पूरी लाइन है, फिर और हैं। सो हम रीजनरेट भी कर रहे हैं जितना हम यहाँ से कर सकते हैं। और ये हमारे जंगल का एंट्रेंस है, अगर आपको टेम्परेचर महसूस हो रहा है फ़र्क? ठंड लग रही है। सो हम लगाने के बाद छोड़ देते हैं इसको कि अब पौधे एक दूसरे से खुद लड़ेंगे और अपने आप जो पानी नहीं देते, नहीं पानी देना बस, हमने 2.5 से 3 साल एंड देन वी विल लीड देम अलोन। एक बहुत बड़ा सा इस पर्टिकुलर पौधे का एक बहुत बड़ा पौधा यहाँ हो गया था, बड़ा सारा मर गया खड़े खड़े एक दिन, लेकिन ये उसके सारे बच्चे कुछ नाउ कमिंग अप, सो देयर इज अ साइकिल, कुछ हो रहा है अंदर, खुद ही बातें कर रहे हैं, कुछ खुद ही चल रहा है, खुद ही अपने आप को संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। अभी जैसे बहुत लाइट सा हो गया है, कम स्प्रिंग दिस विल स्टार्ट गेटिंग वेरी वेरी डेंस, पत्ते निकालना शुरू कर देंगे पौधे और जो छोटी बुशेज हैं वो डेंस होना शुरू हो जाएंगी, घोंसले आपको नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले वाइल्ड लाइफ जो इसमें आके परिंदे अपने घोंसले बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा कीकर है। ओरिजिनल है ये? हाँ, दिस इज़ आर देसी कीकर। और नहीं पहले था ये लगाया है? नहीं नहीं, हमारा अपना लगाया हुआ है, इतना बड़ा था। सीरियसली 2 साल में ये ग्रोथ है इसकी। दिस ऑल ऑफ देम, दीज आर ऑल इतने से निके निके। इमली है या कीकर है? कीकर, कीकर, देसी कीकर, देसी कीकर, देसी कीकर, देसी एंड देसी। इन्होंने बिल्कुल लास्ट में जंप लगाया, देवर पहले से पहले सुहांजना बड़ा हुआ था। ये बेर है, कौन सा बेर? छोटा बेर, बड़ा बेर? ये छोटी बेरी, देसी बेरी होती है हमारी। ये वो है, ये पीपल है सामने आपके, ये पीपल है। पौधे का नाम है बेटा, जैसे आपका क्या नाम है? सुहांजना है इसके अंदर, इसका फ्रूट है। इसके अंदर फ्रूट होता है जो कि बर्ड्स खाती हैं। सो दिस विल स्टार्ट गेटिंग डेंसर बाय द स्प्रिंग। अभी पत्ते छड़े हुए हैं, फिर ये देख, ये बुश देख रहे हैं, ये अनार की बुश है। इस दिस दे हैव फ्रूटेड ऑलरेडी लाइक 8-10 times ऑलरेडी। छोटे 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 अनार लगते हैं, देसी अनार हमारे, और ऐसी बुशेज बेदाना में, बेदाना जो होता है बेदाना जो नाम होता है ना, वो फीका जो सफ़ेद वाला अनार, ब्यूटीफुल, बहुत मज़ेदार फ्लेवर है उसका, मीठा होता है बहुत। कंधारी अनार है ना, लाल होता है तो बड़ा होता है। हाँ, ये थोड़ा नहीं, ये रेड एंड उसके दरमियान के हैं, थोड़ा पिंकिश वाइट के दरमियान। तो हमने बनाया ये था कि यार दिस, व्हेन दिस ग्रोज अप दिस बिकम्स अ लिटिल नुक एंड कॉर्नर फॉर सम पीपल टू कम एंड एंजॉय द फॉरेस्ट, यू नो। ऐसे मक्खियाँ आ गई, मक्खियाँ बड़ी अच्छी मज़ेदार घूम रही हैं। व्हाट आर दीस जो घूम रहे हैं? यार कोई बहुत ही बारीक सा कोई है, नॉट मच्छर बट समथिंग एल्स। अच्छा, तो वो बड़ी वाली ब्लैक मक्खी, उसके ऊपर वो जो उसका येलो कलर का हेड था, उसे बम्बल बी कहते हैं, या पता नहीं कौन सा बी कहते हैं, कोई खास बी है वो। येलो जैकेट कहते हैं ना, इज दैट येलो जैकेट?
कुछ ऐसा नाम होता है, नॉमेनक्लेचर मेरा जरा उससे दूर है, तो वो उस दिन यहाँ 8-10 घूम रहे थे, फिर यू नो रेगुलर हनी बीज वी हैव स्टार्टेड सीइंग देम अराउंड। छत्ता नहीं आया अभी, छत्ता बन जाएगा अभी कहीं ना कहीं, किसी दिन हम घुसेंगे इसके अंदर तो वी फाइंड छत्ता भी मिलेगा हमें इसके अंदर। फ्लावर्स जिस दिन बनना, एक जगह में ना हनी कॉर्नर बना दिया, कॉर्नर ही बना दो हनी कॉर्नर, मे बी यू कैन पुट द जो नकली वो रखते हैं ना, वो लाके रखते हैं बी के, मे बी यू कैन डू दैट। एक और हमारे दोस्त हैं जो